हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एमपीआर आरओ चैनल। आज हम लोग सीखेंगे केंट आरओ में दूसरा फिल्टर कैसे चेंज करना है, बदलना है सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केंट आरओ में ये आउटसाइड वाला फ्री फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, सेडिमेंट फिल्टर है, मेमरीन है, ये सब कुछ का बदलना का कैसे करना है देखिए फ्रेंड्स। वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। अभी जे इसका पानी है जैसे खराब हो बोला था, अभी चेक किया इसका TDS, देखिए कितना आ रहा है, 400 का ऊपर पानी और 770 का ऊपर है इसका पानी का लेवल है। देखिए इसका मतलब मेमरीन इसका खराब हो चुका है, फिल्टर का पानी डायरेक्ट है उसका 2000 का ऊपर है, डायरेक्ट TDS का वाटर है। अब देखिए ये फ्री फिल्टर है जो बाहर लगता है, इसमें 2 लगा हुआ, देखिए फ्रेंड्स तब भी ये खराब हो के मेमरीन खराब हो गया है। देखिए आप चलिए इसका खोल के देखता है इसका कैसे क्लीन करना है, कैसे बदलना है सीखेंगे आज। देखिए फ्रेंड्स, ये आरओ का आउटसाइड का फिल्टर है, इसका आप लोग घर पे खुद खोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना गंदा है, कितना मिट्टी लगा हुआ देखिए इसमें। अब चलिए इसका फिल्टर खोल दिया है, देखिए फ्रेंड्स अब दूसरा फिल्टर लगा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए पेंटेर का एकदम अच्छा कंपनी है, बढ़िया है ये। देखिए ये कैंडल बोलता है, नहीं तो प्री फिल्टर भी बोल सकता है। देखिए 10 इंच का होता है ये, कोई भी आरओ में केंटे, कोई भी अक्वाप्रेस, अक्वागार्ड, अक्वाग्रैंड, जो भी आरओ में यही फिल्टर 10 इंच का यही लगता है, आउटसाइड वाला फिल्टर का साइज सेम ही है। अब दुकान में जाएगा तो 10 इंच का कैंडल बोल सकता है, 10 इंच का प्री फिल्टर भी बोल सकता है इसमें। देखिए फ्रेंड्स अब लगा दिया है, देखिए फिल्टर रख के दाहिने से टाइट करेगा तब टाइट हो जाएगा पूरा ये। अब चलिए इसका ढक्कन है, पूरा टाइट कर दिया है। अब इसका यार रिलीज करना है, तुरंत इसका कनेक्शन नहीं देना है, एक तरफ देखे एक तरफ वेट करना पड़ेगा। जैसे देखे कनेक्शन दे दिया इनपुट में, उसमें ऊपर लिखा रहता है इन आउट का है, देखे पानी चढ़ रहा है, देखे फ्रेंड्स कितना फास्ट में पानी चढ़ रहा है। देखे फ्रेंड्स ये अब पानी चढ़ गया, देखे फ्रेंड्स ऐसे उंगली रख के यार रिलीज करना है पूरा है, तुरंत पाइप नहीं लगाना है, पूरा यार ले लेता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा था एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अब चलिए फ्री फिल्टर चेक कर लिया है, ये फ्री फिल्टर हो गया है, अब सेकंड वाला खोलता है। देखिए फ्रेंड्स एक का हो गया कंप्लीट हो चुका, देखिए पानी भी आने लग गया है, अब पानी बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स पानी खोलने से एकदम बढ़िया मस्त आ रहा पानी है, एकदम इसमें ब्लैक है जी, कुछ भी नहीं पानी में। चलिए फ्रेंड्स अक्वा ग्रैंड का आरओ है, हम लोग देख रहे हैं अक्वा में, अक्वा बोल रहा था, केंट ग्रैंड आरओ है यही है। देखिए फ्रेंड्स इसका फिल्टर का हालत देखिए फ्रेंड्स, सेकंड फिल्टर है, दोनों को ज़्यादा मिट्टी आता है इसमें, इसलिए डबल लगा के रखा है, तब भी देखिए फ्रेंड्स इसका 2-3 महीना में जल्दी ख़राब हो रहा है ये फिल्टर। चलिए और एक बार दिखा दें, देखिए फ्रेंड्स फिल्टर इतना ख़राब हो रहा है, ये एकदम पूरा ख़राब हो चुका है, इसका फेंकना ही पड़ेगा, दूसरा लगाना है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग का घर पे भी टैंक क्लीन करना है पूरा है, एकदम टैंक साफ सफाई रखना है, नहीं तो जल्दी ये ख़राब हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसका वाशर है, जैसे आपका लगाने का बाद लीक हो जाएगा ये वाशर, हल्का से हाथ से खींच के फिर लगाने से पानी लीक नहीं होता है। अब चलिए दूसरा वाला फिल्टर भी निकाल रहा है, देखिए फ्रेंड्स दूसरा के लिए सेकंड वाला फिल्टर है, इसका आउटसाइड वाला फ्री फिल्टर बोलता है, अभी सेकंड वाला भी लगा रहा है। पहले हमने कनेक्शन देंगे इसमें, अभी जो लगा रहा है इसका पहले कनेक्शन देके सेकंड वाला में, रिफ्लेक्ट वाला में सेकंड वाला कनेक्शन देना, उसमें से आउटपुट निकालना है, तब पता चलेगा ये गंदा होना से अगला वाला भी गंदा हो जाएगा, तो जल्दी ये भी पूरा ही गंदा हो गया सोच लो। देखिए फ्रेंड्स कभी भी ये रिफ्लेक्ट वाला है ना, इसका सेकंड में लगाना है, देखिए ये फर्स्ट में लगाऊंगा, अभी देखिए इसका कनेक्शन चेंज करके फर्स्ट में लगाऊंगा। चले फ्रेंड्स अभी इसमें टांग के रख, आप देखिए पानी एकदम मस्त प्रेशर से आ रहा है। देखिए मेन चीज़ आरओ में मेन जरूर ये फ्री फिल्टर है, इसका आप बदलते रहेगा आरओ में कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होता है, ना मेमोरी है, ना फिल्टर है, सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर, कुछ भी इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये बदलते रहना है सही रहता है फ्रेंड्स। चलिए पानी भी बढ़िया आ रहा है, पानी भी चेक कर लिया, ये फिल्टर भी बदल दिया है, दूसरा वाला भी बदल दिया, ये भी बदल दिया, देखिए इसका कनेक्शन कैसे करा, इनपुट दे दिए, इसमें से भी पानी चेक करता है। देखिए फ्रेंड्स अब पानी निकाल रहे,
चलिए इसमें से भी प्रेशर से, जैसे ये आर रिलीज़ करके इसमें भी आर रिलीज़ करना है। देखिए ऐसे अंगुली रख के इसका प्रेशर दबाना है। देखिए अंगुली रख के दबाते रहेगा, प्रेशर बढ़ता है इसमें, जल्दी पानी आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। हमारा एम पी आर आर ओ चैनल के लिए आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए हमारा आर ओ चैनल का है, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए अभी सेकंड वाला भी लगा दिया। कभी भी डबल लगाने से आप लोग का सर्विस चार्ज ये कम पड़ जाता है। देखिए 3 महीना में सर्विस होता है, मतलब इसका डबल लगा देगा 6 महीना 1 साल भी चल जाएगा फ्रेंड्स आपका। ज़्यादा गंदा नहीं होता है, अंदर वाला फिल्टर है इसलिए। अब चलिए जैसे कनेक्शन शुरू करता है, देखिए ये पहले वाला का है, चलिए इसका कनेक्शन लगा रहा है। इनपुट आउटपुट से शुरू करता है। देखिए फ्रेंड्स अभी इनपुट है, नीचे वाला टैप से कनेक्शन है। चलिए टैप से इनपुट है, देखिए इनपुट दे दिए। देखिए फ्रेंड्स बढ़िया से इसी जगह में जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकता है। इनपुट कनेक्शन दे दिए, अब देखिए पानी खोलना है, इसमें से आउटपुट आता है। देखिए फ्रेंड्स कैसे इसका कनेक्शन देना है, डबल फिल्टर में, डबल फ्री फिल्टर में कनेक्शन कैसे देना है। देखिए फ्रेंड्स अब चलिए ये आउटपुट हो गया, आउटपुट से आप पानी चेक करते हैं। देखिए अब बढ़िया से पानी आ रहा है। अभी इसमें इनपुट में देना है, रिफ्लेक्टर वाला फिल्टर है ना, इसमें इनपुट में देना है। चलिए इसमें इनपुट में दे देते हैं कनेक्शन। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, देखिए सेकंड है, हमने दिखाया ना। अब देखिए ये इनपुट हो गया, उसमें ऊपर लिखा रहता है इन आउट है, ये इन में दे दिए, फिर और दूसरा में आउट निकालना है। एकदम सिंपल चीज़ है, कन्फ्यूजन मत कीजिए फ्रेंड्स। देखिए एकदम सिंपल चीज़ है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना है। ये मेन चीज़ आर ओ में फ़िल्टर का है। देखिए पहले वाला फ़िल्टर ज़्यादा गंदा हो जाएगा इसी में, सेकंड वाला में हल्का ही कलर आना से इसका बदलते रहना, जब बदलना है पहले वाला का, इसका चेंज करते रहो, आर ओ एकदम बढ़िया चलेगा। देखिए फ्रेंड्स पानी का प्रेशर भी बढ़िया आ रहा है सेकंड वाला फ़िल्टर से। अभी जब पहले वाला है इसमें जाके फिर सेकंड वाला रिफ्लेक्ट वाला में पानी आ गया, एकदम बढ़िया मस्त हो गया है। अब चलिए आर ओ का सर्विस करवाना शुरू करता है। देखिए आर ओ का ढक्कन खोल दिया है फ्रेंड्स, जिसमें देखिए ये आर ओ का ढक्कन है, इसका ऊपर वाला बॉडी कवर था है, बॉडी कवर काटा दिया है। देखिए कभी भी किचन में रहता है बॉडी कवर ऐसे हो जाता है, एक कवर डाल दीजिए, नहीं तो एक कपड़ा ऊपर डाल सकता है। अब चलिए इसमें एक सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, मेम्ब्रेन है, यही रहता है, बाकी फ़िल्टर कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि बहुत पुराना का है ये, 2016 का है आर ओ है। देखिए फ्रेंड्स अब सेडिमेंट फिल्टर है, इसका हालत कैसे है क्या है चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो गया, वजन भी हो गया, इसका अंदर का जाली भी पट गया है, ठीक से फिल्टर नहीं हो रहा है, ज़्यादा से मिट्टी आ रहा है इसलिए इसका बदलना पड़ रहा है। चलिए अब दोनों को चेक करते हैं। अब देखिए कार्बन फिल्टर है, जैसे पानी लगा रहा, देखिए इनपुट लगा के पानी खोल रहा, देखिए पानी खोल दिया है। अब देखिए पानी आ रहा कि नहीं चेक कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल पानी आ नहीं रहा है, देखिए पूरा जाम पड़ा है, एकदम पूरा का पूरा ही जाम है। देखिए बूंद पानी भी नहीं आ रहा है एकदम, देखिए इसलिए ये बिल्कुल जाम हो गया है। डबल फिल्टर लगाने के बाद भी इतना मिट्टी आता है इसी जगह में, ज़्यादा मिट्टी आता है फ्रेंड्स, इसलिए डबल फिल्टर लगा के रखा है। आप लोग का साइड में भी टैंक से जो ज़्यादा गंदा मिट्टी पानी आ रहा है, इसे डबल फिल्टर ज़रूर लगाना है, सर्विस का कम चार्ज लग जाएगा, सर्विस का कम हो जाता है पूरा यह 6 महीना 1 साल तक सर्विस करने का ज़रूरी नहीं ये लगाना से, कभी भी आउटसाइड फिल्टर सर्विस करते रहे ये। अब चलिए नई वाला लगा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स अब नई वाला में कैसे पानी आ रहा है, देखिए अब लगा दिया तुरंत, देखिए पानी कैसे आ रहा है, एकदम फिल्टर होके एकदम मस्त पानी आ रहा है, देखिए एकदम फुल प्रेशर से आ रहा है पानी। सेडिमेंट फिल्टर है, एक कार्बन फिल्टर है। देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए लगा दिया, चेक कर लिया है, अब सेकंड वाला भी चेक कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया ही चल रहा है, ये पहले वाला का है। देखिए सेडिमेंट फिल्टर कार्बन फिल्टर दोनों चेक करवा दिया है। अब चलिए इसका लगाता है कैसे। देखिए फ्रेंड्स आर ओ का कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आर ओ में कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, आर ओ का बारे में कुछ भी नहीं,
आरओ में जो भी पूछताछ करना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप लोग का बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एकदम पूरा है, हिंदी में जो भी है, तमिल में जो भी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए आप सेडिमेंट फिल्टर लगाना, पहले सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर का है, देखिए फ्रेंड्स सेडिमेंट फिल्टर लगाना है, यही है चेक किया हुआ वही वाला फिल्टर है। इसमें यूरो मार्क भी रहता है, एकदम बढ़िया यूरो मार्क है, देखिए एकदम मोल्डेड है, मोल्डेड यूरो मार्क है एकदम, वेल्डिंग टाइप का जो तो मोल्डेड होता है ना, मोल्डिंग से आता है ये वाला वेल्डिंग, यूरो मार्क है मोल्डिंग से आता है, एकदम मिटता भी नहीं, स्टिकर पे नहीं, अगर स्टिकर है ना, स्टिकर मिट जाता है पड़ जाता है ना, तब भी मोल्डेड से आता है यूरो मार्क है। इसमें ओरिजिनल क्वालिटी का फिल्टर ऐसे रहता है, ये केंट का जगह में बढ़िया काम करता है फिल्टर, केंट का फिल्टर में, केंट कारों में केंट लगाना ऐसे कुछ भी जरूर नहीं है फ्रेंड्स, ये केंट का जगह में बढ़िया काम करेगा, कोई भी फिल्टर लगा सकता है। देखिए आर वो केंट का है, देखिए मोटर भी हमने बदल दिया है, देखिए फ्रेंड्स। अब चलिए सेडिमेंट फिल्टर से इनपुट आउटपुट कनेक्शन दे रहा है, देखिए ये इनपुट है, चलिए इन दे दिए, उस तरफ आउटपुट है, फिर नीचे इन आएगा, फिर इधर आउटपुट है, देखिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स हमारा चैनल के लिए, हमारा MPR चैनल के लिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए आप कनेक्शन दे दिए, देखिए ये इनपुट है, उधर आउटपुट जॉइन कर दिया, देखिए लेफ्ट साइड में दोनों साइड करके फिर आउटपुट ले लिए। अब चलिए SC वाल्व भी ख़राब हो गया था, इसका सोलेनोइड वाल्व बोलता है, वो भी ख़राब हो गया, उसका भी चेंज करना है। SC वाल्व कैसे चेंज कर रहा है देखिए फ्रेंड्स, SC वाल्व का बारे में जो भी पूछताछ करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए ये RO का सोलेनोइड वाल्व बोलता है, सोलेनोइड वाल्व है इसका शॉर्टकट में, SC वाल्व बोलता है, इसका काम मतलब जैसे हमने टैंक से पानी आता है, जैसे प्री फिल्टर होके पानी आएगा यहाँ तक पानी रुक के रखता है, देखिए फ्रेंड्स जैसे ये लगा रहा है यहाँ तक पानी रुक के रखेगा, देखिए इनपुट आउटपुट से आया कनेक्शन, देखिए जैसे आपने RO का अंदर बिजली देगा चालू करेगा तब मोटर में ये पानी देगा, नहीं तो आप तुरंत खोल देगा, आपका टैंक से ज़्यादा प्रेशर होगा, रोटेशन से आते रहेगा पानी, फिर वेस्टेज गिरते रहेगा, आप बंद भी कर दो RO फिर पानी गिरते रहेगा, वेस्टेज पानी चलते रहेगा, ऐसे नहीं होना, SC वाल खराब होने से ऐसे वेस्टेज पानी चलते रहता है, SC वाल चेक करना है, SC वाल जरूरी है फ्रेंड्स, आप लोग का वेस्टेज पानी हमेशा बूंद बूंद गिरते रहता है, मतलब SC वाल खराब हो गया है, यही वाला है सोलेनोइड वाल्व है, देखिए SC वाल लगा दिया, इसका फंक्शन भी आपका दिखाऊंगा, SC वाल कैसे काम करता है ये भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए SC वाल का फंक्शन भी आपका दिखाऊंगा, अब कनेक्शन लगा रहा है देखिए फ्रेंड्स, देखिए SC वाल का कनेक्शन है, अब देखिए SC वाल का फंक्शन भी आपका मैं दिखाऊंगा कैसे काम करता है, देखिए SC वाल से कनेक्शन लगा दिया, उसके बाद मोटर में जाता है, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगा, आप लोग का दिखाने का बात ही लगाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स पहले कनेक्शन कहाँ जा रहा है, सेडिमेंट फिल्टर है, उसका बाद नीचे कार्बन फिल्टर में आ रहा है, कार्बन फिल्टर का बाद SC वाल्व में आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स सोलेनोइड वाल्व है, जैसे लगा रहा है ना सोलेनोइड वाल्व बोलता है इसका, चलिए नाम मत बोलिए सोलेनोइड वाल्व, नहीं था शॉर्टकट में SC वाल्व बोलता है, देखिए मोटर में पानी दे दिए, कनेक्शन मोटर का है, चलिए SC वाल्व के बाद कनेक्शन मोटर में चला गया। अब चलिए उसके बाद मेमरिन का लगाने के लिए क्लैंप लगा रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये मेमरिन का है, उसके बाद बाकी UV UFA ऐसे कुछ भी जरूर नहीं, क्योंकि ये जलबोर्ड का पानी है, ऑलरेडी ये मीठा पानी आता है, इसलिए वो UV UFA ये कुछ भी नहीं लगाया हमने एक्स्ट्रा फिल्टर। अब चलिए इसका मेमरिन चेक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स ओ बाप रे बाप, मेमरिन देखने से पता चल रहा है कलर से पूरा मिट्टी घुसा हुआ लग रहा है अंदर का है, कई साल का हो गया है लेकिन मेमोरी तक ज़्यादा मिट्टी नहीं आया, लेकिन काम नहीं कर रहा है ना फ्रेंड्स, इसका TDS बहुत ज़्यादा है, देखिए फ्रेंड्स मिट्टी ओ, देखिए इसे देखने से पता चल रहा है
बाहर से जो टेढ़ा करने से इसका मेमोरी का अंदर पूरा मिट्टी घुस जाता है, पूरा टाइट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स मेमोरी हाउसिंग भी जैसे हो गया, देखिए फ्रेंड्स मेमोरी हाउसिंग का है, देखिए मेमोरी है मेमोरी का अंदर, देखिए फ्रेंड्स इसका निचुड़ेगा पूरा मिट्टी आ जाएगा, इसका अंदर पूरा मिट्टी है। और देखिए हाउसिंग दो रहा है मेमोरी हाउसिंग का है। वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स इसका नया वाला मेमोरी कैसे डालता है देखिए फ्रेंड्स, मेमोरी कैसे इंस्टॉलेशन करता है सीखिए। कोई भी RO का मेमोरी इसी तरीक़ा से मेमोरी इंस्टॉलेशन करना है। 75 GB वाला है, बढ़िया काम करता है, फिल्मैक्स का है। यही पानी में देखिए फ्रेंड्स, ये इनसाइड में फिट करके ये एकदम पूरा अंदर देखिए वाशर रहता है, दो वाशर है रिंग का, उस तरफ अंदर करके देखिए दाहिना है नहीं तो बायां, दाहिना है नहीं तो बायां घुमा के हल्का पुश करेगा, लॉक हो जाएगा अंदर से पूरा मेमोरी घुस जाएगा। सीधा लगाने के बाद कभी भी सीधा धक्का मत मारिए, दाहिना है नहीं तो बायां मेमोरी इनका घुमाना पड़ता है, घुमाने के बाद वो फिट हो जाएगा पूरा, उसका बाद ही लगाना है। देखिए फ्रेंड्स पूरा लगाने के बाद अब ढक्कन लगा दिया RO का है, चलिए RO मेमोरी इनका लगा दिया, पूरा फिट कर दिया। देखिए अब कनेक्शन देना बाकी है, इसमें डबल कनेक्शन आता है मेमोरी से। देखिए फ्रेंड्स अब कनेक्शन भी आपका बताऊंगा, देखिए फ्रेंड्स कनेक्शन भी बता रहे हैं। स्टार्टिंग में आएगा सेडिमेंट फिल्टर है, उसके बाद कार्बन फिल्टर है, उसके बाद ये ब्लू कलर SU वाल्व है, SU वाल्व के बाद सीधा मोटर में जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये बूस्टर पंप बोलता है, वो बूस्टर पंप मोटर में जा रहा है कनेक्शन है, उसके बाद मोटर से मेमोरी में जा रहा है, मेमोरी से डबल कनेक्शन एक टी लगाता है। देखिए फ्रेंड्स अब चलिए आपका SU वाल्व का फंक्शन क्या है शुरू करता है, अब सब लगा दिया। देखिए फ्रेंड्स सोलेनोइड वाल्व का काम कैसे करता है देखिए। चलिए फ्रेंड्स अब पानी आने लग गया SU वाल्व से, देखिए एकदम बढ़िया से आने लग गया पानी, देखिए एकदम बढ़िया काम कर रहा है, इसका मतलब SU वाल्व एकदम बढ़िया से मस्त काम कर रहा है। देखिए इसका सोलेनोइड वाल्व पानी बंद कर रहा है, देखिए जैसे स्विच बंद करेगा, देखिए निकाल दिया, अब पानी भी बंद हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स तब स्विच लगाएगा, जैसे ऑन करेगा ना, जैसे पानी ऑन करके, पानी ऑन करने से पानी नहीं आएगा, देखिए वो स्विच ऑन करेगा तब पानी आ जाएगा, अब स्विच निकालेगा ना तब ठीक है, स्विच बंद कर देगा SU वाल्व से पानी बंद हो जाएगा, का मतलब मोटर का आगे पानी नहीं देगा, पानी गिरेगा भी नहीं, वेस्टेज पानी जो भी फिल्टर पानी जो भी नहीं आएगा, RO चालू करने से पानी आ जाता है, यही काम करता है, इसका फंक्शन यही है। देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए अब लगा दिया, अब मेमोरी भी नया लगा दिया है, देखिए फ्रेंड्स सेडिमेंट फिल्टर भी लगा दिया, कार्बन फिल्टर भी लगा दिया है, SU वाल्व भी लगा दिया है, मेमोरी भी लगा दिया है, उसके बाद FR450। देखिए फ्रेंड्स इसका कनेक्शन भी कैसे है, चलिए फ्रेंड्स अब लगा दिया। अब TDS देखिए फ्रेंड्स 64 आ रहा है, अब RO का TDS है